बच्चों आज एक कविता सुनाने जा रहे हैं, उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि तुम लोगों ने चूहा देखा है? Yes, ma'am. और बिल्ली भी देखी होगी? Yes, ma'am. चूहा कहाँ रहता है? बिल में. और बिल्ली कहाँ रहती है? हाँ, घर में. चूहा कुछ नुकसान भी करते हैं हमारे घर में? क्या करता है? एक एक बच्चा बोलेगा. हाँ, कपड़ा काट देता है, तार काट देता है, जूता काट देता है, और क्या करता है? कपड़ा काट देता है. अब ये बताइए, बिल्ली क्या करती है? हाँ, दूध पी जाती है, मलाई खा जाती है, और क्या, दही खा जाती है. अच्छा ये बताओ, जब बिल्ली आती है तो चूहा क्या डरता है क्या उससे? वो छुप जाता है. तो आज एक छोटी सी एक कविता सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है नन्हा चूहा. क्या नाम है? नन्हा चूहा. ये देखो, बीच में चूहा महाराज बैठे हुए हैं और उसी के पास में बिल्ली मौसी बैठी हुई है, ठीक है ना? तो अब हम कविता शुरू करते हैं और आप सब भी हमारे साथ बोलेंगे. पानी की टंकी पर चढ़कर, पानी की टंकी पर चढ़कर, नन्हा चूहा बोला, नन्हा चूहा बोला. ये देखो, पानी की टंकी पर नन्हा चूहा बैठा है और चूहा बोल रहा है. बिल्ली मौसी अब ना समझो, बिल्ली मौसी अब ना समझो, हमको इतना भोला. बिल्ली अब ना समझो हमको इतना भोला. हम लेकर बैठे हैं मौसी, हाथ में मोटा डंडा. चूहा महाराज देखो हाथ में डंडा लिए बैठे हैं और बिल्ली से कह रहे हैं, हमें इतना भोला भाला मत समझना, डंडा लिए बैठे हैं. हाथ में मोटा डंडा. पड़ेगा डंडा हो जाएगा. जोश तुम्हारा ठंडा. तो ये चूहा क्या कह रहा है बिल्ली से? अगर ज्यादा हमको भोला भाला मत समझना, डंडा लेकर बैठे हैं और एक डंडा मारेंगे तो सारा जोश तुम्हारा ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, इस बार बिल्कुल बड़े साहस के साथ चूहा महाराज बैठे हैं, बिल्कुल डर नहीं, निडरता के साथ. क्लैपिंग.